है आप सभी का हिमवंत जीके में। तो लोक सेवा आयोग द्वारा अपनी जो कैलेंडर है वो उसमें कुछ संशोधन किया गया है और तीसरी बार यह संशोधन किया गया है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या बदलाव है। तो सबसे पहले देखेंगे हम, तीसरी बार यह कैलेंडर निकाला है पर इसमें जो नई विषय है वो है, इसमें रिजल्ट भी प्रस्तावित दिया गया है कि चयन परिणाम कब प्राप्त होगा। तो सबसे पहले है पुलिस विभाग के अंतर्गत जो आपका पुलिस आरक्षी पीएससी आईआरपी अग्निशामक की जो परीक्षा हुई थी उसका जो चयन होगा वो मई के तीसरे हफ्ते में उसका परिणाम निकालने हेतु अभी आयोग काम पे लगा है। नेक्स्ट जो उनका है सहायक कुल सचिव वाला, उसका जो परीक्षा संपन्न करेगी जी, उसका मूल्यांकन कार्य अब प्रारंभ किया गया है। राजस्व विभाग पटवारी परीक्षा 12 फरवरी को संपन्न हुई थी, उसका जो चयन परिणाम अंतिम सप्ताह मई में आपको प्राप्त होगा। कार्मिक विभाग प्रवर अग्नि सेवा चयन आयोग का जो परीक्षा संपन्न हुई हो प्रथम सप्ताह से प्रारंभ होगी मूल्यांकन कार्य। कनिष्ठ सहायक 5 मार्च का रिजल्ट पहले हफ्ते में, मतलब आजकल में ही आपको देखने मिल सकता है। वन विभाग के अंतर्गत 9 अप्रैल को उसका परिणाम मई के दूसरे हफ्ते में, परिवहन विभाग की परीक्षा संपन्न तीसरे हफ्ते में, कारागार विभाग बंदी रक्षक का फिजिकल चल रहा है, जून में इसका शारीरिक परीक्षा परिणाम घोषित हो जाएगा। न्याय विभाग सिविल जज परीक्षा संपन्न चयन परिणाम इसी माह के हफ्ते के अंतर्गत, सह लेखाकार जून में प्रथम सप्ताह में परिणाम आने की संभावना। अगला है गृह विभाग के अंतर्गत SI दरोगा मई 2023, सभी इसका कोई शासन स्तर पर इसकी नियमावली में परिवर्तन होगा अभी, तो अभी इसमें कब आता है इसका विज्ञापन अभी संशय का विषय है। और ये बहुत पुरानी विज्ञप्ति पर्यावरण पर्यवेक्षक, इसका भी अभी कुछ कह नहीं सकते। गृह विभाग के अंतर्गत वैज्ञानिक वाला, मानचित्रकार, चेस्ट विभाग, RO ARO जो आप बहुत समय से वेट कर रहे हैं, 18 जून में इसका प्रस्तावित है, पर अभी भी संशोधित अध्याचन है इन सब में। कार्मिक विभाग के अंदर अरवर प्रवर अपर PCS लोअर PCS सब भी ये भी प्रस्तावित हैं, देख सकते हैं आप। ये सभी सांख्यिकी अधिकारी भी प्रस्तावित, ये भी प्रस्तावित है, ये मुख्य परीक्षाएं हैं, ये सब प्रस्तावित हैं, ये आपको आगे आगामी दिनों में दिख सकता है। यह भी सब संशोधित में, पर जो असली जो परिणाम है वो मई में आपको देखने को मिल सकता है। मई में आपके काफ़ी रिजल्ट आने की संभावनाएं हैं, तो आप सभी को शुभकामनाएं, बहुत ही जल्दी आपका रिजल्ट आ जाएगा। पटवारी कनिष्ठ है या वन आरक्षी, अब लोअर PCS का रिजल्ट आपको देख सकता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।